मध्य प्रदेश के चुनावी महासंग्राम में देश भर के दिग्गज यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। अलग अलग जगह पर उनकी सभाएं हो रही हैं, इसके अलावा रोड शो हो रहे हैं। आज वे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज 18 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल असम से ही शुरू करेंगे। असम के एक विधायक मंदिरों पर और महंतों पर, साधु संतों पर टिप्पणी करते हैं, पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, समय समय पर असम का कांग्रेसिव और यूडीएफ से जुड़े हुए लोग हमारे हिंदू सनातन धर्म का संस्था या उनका जो भी पुजारी होता है, नामघरिया होता है, सत्र होता है, उनका खिलाफ टिप्पणी करते हैं। जो भी टिप्पणी कानून का दायरा से बाहर हो जाता है, जो संवैधानिक नहीं है, जो बोलने का अधिकार संविधान किसी को नहीं देता है, जब जब कोई लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने का कोशिश करता है, उनका खिलाफ व्यवस्था लिया जाता है। अभी एक हमारे कांग्रेस का विधायक है, उनका नाम है आफताबुद्दीन मुल्ला, तो उन्होंने ऐसे ही लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया और असम पुलिस कल रात को उनको गिरफ्तार किया। क्या कुछ आगे कार्रवाई करेंगे? असम पुलिस का ये अधिकार है, जो कानून इजाजत देता है वहां तक करेगा, वो लोग अपने आप ही करेगा। आप कहते हैं कि ऐसे लोगों को हम सबक सिखाते हैं। देखिए, जो भी लोग कानून का दायरा से बाहर होता है, उनको कानून का दायरे में लाने का हमारा जिम्मेदारी होता है, तो हम जिम्मेदारी निभाने का कोशिश करता हूँ। मध्य प्रदेश में चुनाव है, राहुल, प्रियंका, खड़गे और कांग्रेस के तमाम दिग्गज आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आने में तो कोई मना नहीं है और आना भी चाहिए। चुनाव एक फेस्टिवल होता है डेमोक्रेसी का, सारे लोग आना चाहिए, लेकिन आप संदेश क्या लेके आया है और आपका आगमन से क्या मध्य प्रदेश और खूबसूरत होगा कि मध्य प्रदेश पीछे चल जाएगा? 15 महीना यहाँ में कांग्रेस का शासन था, जो भी काम शिवराज चौहान ने स्टार्ट किया था उनको बंद किया गया, कोई सारे उसी समय स्कैम बाहर हुआ और एक प्रकार में लोगों ने वो शासन को टोटली रिजेक्ट किया। अभी भी कर्नाटक में सरकार हुआ कांग्रेस का, हिमाचल में कांग्रेस का सरकार हुआ, जो भी आश्वासन जनता को दिया गया था एक भी लागू नहीं किया है, तो इसीलिए आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश का जनता को मेरा अपील होगा कि नरेंद्र मोदी जी का हाथ आप निरंतर शक्तिशाली कीजिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। महाभारत और रामायण के पात्र लगातार इस चुनाव में आ रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने कहा कि अहिरावण, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी, ये लोगों को राम रावण का बात कौन सिखाता है उनको जानने का जरूरत है। अगर खुद रामायण महाभारत का बारे में जानते हैं तो मैं प्रियंका गांधी जी को निवेदन करूंगा, हम लोग सब सुनूंगा आधा घंटा बिना कागज, अब राम कौन है, लव कुश कौन है, राम का माँ कौन है, कागज मत लीजिए, हम पूछूंगा, आप आंसर कीजिए। बिल्कुल, वो तो आप करने नहीं पाएगा, आप तो इतना तो आप जानते नहीं है, कोई आपको स्लिप दे देते हैं और आप स्लिप का ऊपर बोलते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, सदन में एक बयान देते हैं, पूरे देश में उसकी चर्चाएं होती है, माफी भी मांग रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, सदन में बोलना और माफी मांगना, ये दोनों दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खो चुका है। वो कोई नया बात नहीं है, थोड़ा लोगों का ये एक बीमारी है और बीमार का इलाज भी होगा, लेकिन सीएम का जो शासन है, जो कुर्सी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तमाम लोगों का जिम्मेदारी आपका ऊपर होता है,
तो मेरा यही निवेदन होगा जनता दल को या आरजेडी को कि फिलहाल नीतीश कुमार जी का आप लोग देखभाल कीजिए, सीएम का आसन थोड़ा दिन कोई लोग संभाले। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की भी एंट्री हुई, उन्होंने कहा कि हमने जो 5 साल में किया वो भाजपा और कांग्रेस ने इतने वर्षों में भी नहीं किया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, केजरीवाल जी ने एक ही काम किया, कोई लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना है, इतना ही किया, वो तो कोई काम नहीं है। आपने कितना दिल्ली का पावर जनरेशन बढ़ाया, आपने दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था क्या किया है, आज आप 5 साल में शासन में है, जोगी झोपड़ी में लोग जो हालत में रहता है वो देखने से आपका रोना आ जाएगा। तो इसीलिए कोई भी मुख्यमंत्री बाहर आके ऐसा बोलना नहीं चाहिए, दिल्ली तो देश का राजधानी है, कोई भी जाके दिल्ली का जोगी झोपड़ी देख सकता है और लोगों का हाल खुद ही अंदाजा लगा सकता है। इंडी गठबंधन जो है वो कितना कारगर साबित होगा? वो तो गठबंधन टूट ही चुका है और कहां है, ये चुनाव का बात तो गठबंधन इतिहास हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो चुनाव है इसमें कई तरह की बातें हो रही है और जो मुद्दा है वो राम हनुमान और आपके निशाने पर तो कमलनाथ और दिग्विजय बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो चुनाव का मुद्दा है सीधा सीधी मुद्दा है, शिवराज चौहान का समय में मध्य प्रदेश बीमारों से विकसित प्रदेश बना और उससे भी आगे जाना है। एक राम राज्य का जो कल्पना होता है आज मध्य प्रदेश में उसको दिखाई देता है, आगे भी काम करना है तो बीजेपी को आप ताकत दीजिए और बीजेपी हमें राम राज्य का जो कल्पना है उसको क्रियान्वित करेगा। आप कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो यहाँ बोलने से पहले 10 बार सोचती, क्योंकि पाकिस्तानी के जो मानसिकता वाले लोग हैं वो यहाँ है, बुरा मान जाएंगे, क्या है कुछ? देखिए, आज राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने वैधता दिया, अभी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई जा सकता है, लेकिन आज तक राहुल और प्रियंका हर मंदिर में जाते हैं, आप राम मंदिर में क्यों नहीं जाते हो? मतलब आपका मन में डर है, वहां में जाने से आज का जो बाबर है वो लोग मुझे खराब पाएगा। तुष्टीकरण का राजनीति ही कांग्रेस का हॉलमार्क होता है, तो वो राजनीति को हमें रिजेक्ट करना है और एक नया भारत का जो निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर रहा है उसको हमें ताकत देना है।